नगर परिषद ज्वालामुखी में होने वाले चुनावों के लिए नियुक्त की गई चुनाव पार्टियां अपने अपने पोलिंग केंद्रों के लिए रवाना कर दी गई हैं। ज्वालामुखी निर्वाचन अधिकारी व तहसीलदार जगदीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी चुनाव पार्टियों ने अपने सभी सामान का निरीक्षण किया है, ईवीएम मशीनों का भी निरीक्षण किया गया है और सभी सही पाई गयी है। चुनाव पार्टियां केंद्रों में ही रहेंगी और रविवार सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। हर चुनाव पार्टी के साथ एक पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड की तैनाती की गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के नोडल ऑफिसर ने जानकारी दी कि नगर परिषद के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं है और न ही किसी को आइसोलेशन में रखा गया है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर हर मतदान केंद्र में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व एक स्वास्थ्य कर्मी कोविड नियमों के तहत तैनात रहेगा और स्वास्थ्य विभाग के नोडल ऑफिसर की देखरेख में कार्य करेंगे। नगर परिषद चुनाव के लिए चुनाव पार्टी अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना कर दी गई है। सभी पार्टीज ने अपने सामान को अपने ईवीएम्स को विधिवत चेक किया है और सब सही पाई गई हैं। तो पार्टीज आज वहीं रहेंगी और कल सुबह मॉक पोल के बाद 8 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। हाँ, हर पार्टी के साथ एक पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड की तैनाती की गई है। इसके अलावा वो स्वास्थ्य विभाग है, उसके नोडल ऑफिसर ने हमें रिपोर्ट दी है कि अभी तक कोई भी व्यक्ति ज्वालामुखी में नगर परिषद के क्षेत्र में पॉजिटिव नहीं है और ना ही किसी को आइसोलेशन या क्वारंटीन में रखा गया है। फिर भी सरकार के निर्देशों के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मी की हर पोलिंग स्टेशन पे तैनाती होगी, जो कि नोडल ऑफिसर की देखरेख में काम करेंगे। पीएलटीवी के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।